वन आज हम बनाएंगे ग्रीन चिली सॉस, जो कि हमने अपने ही घर में उगाई थी ग्रीन चिलीज, उन्हीं से हम आज बनाएंगे। काफ़ी सारी हो गई थी ये हमारे घर में, तो इतना कोई खाता नहीं है खाने में, तो फिर मैंने सोचा कि इसकी ग्रीन चिली सॉस ही बना लेते हैं। अभी इनको हम कट कर रहे थे। अब इन्हें तोड़ने के बाद अब हमने इसमें से डंठल को क्लीन करके वॉश करके कपड़े से अच्छे से पोंछ के और सुखा लिया था, और ये पूरी तरीके से ड्राई हो गई थी, इसमें पानी नहीं था। आधा लीटर पानी जो कि पकौने में चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, और 400 ग्राम फ्रेश चिलीज लिए हैं जिनको कट कर लिया है, दो बेक पोटैटोज लिए हैं रॉ, इनको छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया है, 15 गार्लिक क्लोव्स एंड हाफ इंच जिंजर, आफ्टर बॉइलिंग वाटर ऐड वेजीज। पानी गर्म बॉईल होने के बाद इसमें आलू, ग्रीन चिली और ये जिंजर गार्लिक, 2 टेबल स्पून सॉल्ट डालना है वाइट वाला, और इसको अच्छे से ढक के आधे घंटे के लिए कवर करके हाई फ्लेम पे पकाना है आपको। इस वक्त ये अच्छे से पक गई थी और मैंने गैस बंद कर दी थी, अब इन्हें ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा हो गई तो मैंने इन्हें मिक्सी में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया, और आप इसका एक्सेस वाटर जो है इसी में रहने दें, इसी के साथ इसको पीस लें। देखिए अच्छे से स्मूथ पेस्ट बन चुका है। अब इसको मैंने एक कढ़ाई लिए गैस पे और इसको पेस्ट को उसमें डाल दिया है पकने के लिए। थोड़ा सा हम और पकाएंगे इसे, थोड़े बहुत इसमें चंक्स भी रह गए हैं, वो हम उसको बाद में जब छानेंगे तब वो निकल जाएंगे अच्छे से। थोड़ी देर पकने के बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून शुगर ऐड किया है, अच्छे से आप इसको मिलाते रहिए चलाते रहिए, और इसमें ये वाइट विनेगर हाफ बाउल लेना है आपको। मैंने इसमें थोड़ा सा हल्का सा 2-3 ड्रॉप फूड कलर भी डाला है ग्रीन वाला, मुझे नमक थोड़ा कम लगा था इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून और सॉल्ट ऐड किया है। इसमें अच्छे से देखिए अब इसमें अच्छे से बॉईल आ चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ी देर ढक के रख देंगे, और फिर जब ये ठंडी हो जाएगी तब उसको छान लेंगे छलनी से। ज़्यादा देर नहीं लगेगी आपको इस सॉस, चिली सॉस को बनाने में। घर की होममेड सॉस, चिली सॉस बना के एंजॉय कीजिए। अब ये पूरी तरीके से ठंडी हो गई थी और गाढ़ी भी काफ़ी अच्छी से हो गई थी, इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी आई थी, तो अब मैंने इसे अच्छे से छान लिया है। जो भी थोड़ा बहुत इसमें जो चिली का या जिंजर का गार्लिक का कुछ भी रह गया है वो सब सही से छन जाएगा। अब ये बोतल में भरने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे आप बोतल ड्राई बोतल में वॉश करके किसी भी कांच की बोतल में ड्राई करके भर के रख लीजिए। इस तरीके की 3 बोतलें हमारी भर चुकी थी, और आपको आप इनको फ्रिज में भी रख सकते हैं 1 ईयर तक। बनकर तैयार है ग्रीन चिली सॉस, और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं नूडल्स के साथ, समोसे के साथ, स्प्रिंग रोल, सैंडविचेस के साथ। आप इसको बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको ग्रीन चिली सॉस की रेसिपी, जो कि हमारे बगीचे के ही ग्रीन चिली से बनाई है। प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल खुशी के जायके। बाय बाय, टेक केयर।